नमस्कार दोस्तों, क्विक इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बेवफा पत्नी को कैसे पहचानें? हर बेवफा पत्नी देती है ये 5 संकेत। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पुरुषों की पत्नी कैरेक्टरलेस या बेवफा होती हैं, और तो और कई को तो यह पता भी नहीं होता कि उनकी पत्नी बेवफा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेवफा पत्नी को कैसे पहचानें। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई औरत बेवफा है तो वह ऐसे 5 संकेत देती है जिनकी मदद से आप आसानी से उसकी बेवफाई को पहचान सकते हैं। किस प्रकार से, आइए आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। आप चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे आजकल विवाह तर संबंध रखने का चर्चा बहुत अधिक बढ़ चुका है। जी हाँ, इसी वजह से इसका असर महिलाओं और पुरुषों दोनों पर ही पड़ता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि उसकी होने वाली पत्नी उससे बेवफाई करे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन्हीं संकेतों के बारे में जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपकी पत्नी बेवफा है या वफादार है। आइए अब उन 5 संकेतों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पहला संकेत, दोस्तों, क्या आपकी पत्नी आपसे दूर दूर रहती है? जी हाँ दोस्तों, जब किसी महिला का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध हो जाता है तो वह अपने पति से दूर दूर रहने लग जाती है। मतलब जब आप अपनी पत्नी को टच वगैरह करते हैं तो उसके व्यवहार से क्या आपको लगता है कि वह आपसे छूटने का प्रयास कर रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो हो सकता है कि वह बेवफा हो, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को सिर्फ छूने या किस करने के लिए इनकार नहीं कर सकती। अगर आपकी पत्नी ऐसा करती है तो 99% यह चांस है कि वह बेवफा है, और यह बदलाव अचानक से उसमें आया हो तो यह बात और भी पुख्ता हो जाती है। दूसरा संकेत, प्यार का कम हो जाना। जी हाँ दोस्तों, बेवफा औरत के व्यवहार के अंदर भी बदलाव आ जाता है। अगर आपकी पत्नी पहले आपको बहुत अधिक प्यार करती थी, लेकिन अचानक से आपके साथ उसका प्यार कम हो गया है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह बेवफा हो चुकी है। मगर प्यार कम होने की कोई और वजह भी हो सकती है, जिसमें आपने कोई गलत काम कर दिया हो। अगर आपने अपनी पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया है तो इसका मतलब यह है कि वह बेवफा हो चुकी है। तीसरा संकेत, अकेलापन पसंद होना। जी हाँ दोस्तों, आपकी पत्नी के बेवफा होने पर उसके अंदर कई सारे बदलाव आते हैं, जिनमें से एक यह भी है। अचानक से अगर आपकी पत्नी को अकेलापन पसंद आने लगा हो तो अकेले वह अपने मोबाइल के साथ बैठी रहती होगी। हो सकता है कि वह किसी और से बात भी करती हो। अगर आपकी पत्नी पहले अकेली बिल्कुल भी नहीं रहती थी और जब अकेले ही अकेले रहती है तो इसका मतलब यह है कि वह किसी और से जुड़ चुकी है। चौथा संकेत, आपके दूर जाने पर पत्नी का खुश हो जाना। जी हाँ, आमतौर पर होता यह है कि अगर महिला का पति उसे छोड़कर कहीं चला जाता है तो वह काफी उदास उदास रहने लगती है। लेकिन बेवफा पत्नी के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि आप उसे एक दिन बोलें कि आप दूर कमाने जा रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया को सही से नोट करें। दोस्तों, अगर उसमें आपको वह बदलाव दिखे जो कि नहीं दिखना चाहिए था, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह बेवफा हो सकती है। पांचवा संकेत, आपकी रिस्पेक्ट में कमी। जी हाँ, अगर आपकी पत्नी बेवफा हो जाती है तो उसकी रिस्पेक्ट के अंदर भी कमी आप साफ देख सकते हैं। अगर अब वह पहले की तरह आपकी इज्जत नहीं करती है, आपके कुछ हो जाने पर भी आपकी उतनी परवाह नहीं करती है, तो हो सकता है कि वह एक बेवफा पत्नी बन चुकी है।
तो दोस्तों, यही वो पांच ऐसे संकेत हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, जिसकी मदद से आप एक बेवफा पत्नी या किसी महिला की पहचान बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी में भी इनमें से कोई गुण है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।